द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस इनटू दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सबका बेस सेम है। अगर सबका बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 32 है, तो इसका भी बेस 2 हो जाएगा, 2 का पावर 5 इज 32। अगर सबका बेस सेम है और सारे नंबर मल्टीप्लाइड हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अपन यूज़ करेंगे, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इज ए का पावर एम प्लस एन। तो देखो ये हो गया 2 का पावर क्यूबिक रूट है तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ये 32 है तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, 2 2 4 4 2 8 6, 32 का पावर 5, द होल पावर कितना हो गया 1/12। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर, ये हो गया 5/12, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 5/12 हो गया। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a का पावर m द होल पावर n इज a का पावर m इंटू एन, तो 5 इंटू 1/12 5/12। अब सब ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 4 12 का, 3 4 12 का एलसीएम 12 आएगा, 3 4 4 4 4 3 3 1 3 12 1 5 1 5, ये आ गया 2 का पावर 4 + 3 7 7 + 5 12 12/12। तो 12/12 कैंसिल हो, कितना बचा आपका आंसर, 2 का पावर 1, और 2 का पावर मतलब 2 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।